हेलो एवरीवन यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर पार्ट थ्री एच पी 2022 का जो एंट्रेंस आज की डेट में हुआ है उसका पार्ट थ्री पार्ट थ्री इंग्लिश सेक्शन सेक्शन इंग्लिश जो है मैं आप लोगों के बीच लेकर प्रस्तुत हूँ इंग्लिश सेक्शन का जो सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों के बीच प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो जो इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए थे इस प्रश्न पत्र में वो पूछे गए थे इक्यावन से सेवेंटी तक तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश सेक्शन में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे एच पी एंट्रेंस 2022 में और उनके राइट right आंसर क्या क्या है बहुत सारे जो आंसर है वो ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए गए हैं फिर भी आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट कर सकते हैं तो डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन एंड टू इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर वर्ड्स आर गिवन ओनली वन ऑफ व्हिच इज़ रॉन्गली स्पेल्ड चूज वन दैट इज़ नॉट राइट तो हमने वो प्रश्न जो है ऑप्शन में वो आ, शब्द चूज़ करना है जो गलत दिया गया है इक्यावन और बावन प्रश्न के लिए इंस्ट्रक्शन है इक्यावन नंबर प्रश्न पूछा गया था इसमें जो है आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो गलत है इनमें जो मिसस्पेल्ड वर्ड है वो है रेलिवेंट रेलीवेंट शब्द जो है आर ई एल वी ए एन टी रेलिवेंट जो है होता है रेलिवेंट जो है यहाँ पर गलत लिखा है रेलीवेंट शब्द जो है ये राइट आंसर फिफ्टी वन का राइट right आंसर भी रहेगा फिफ्टी टू जो है वे दांता जो है फिफ्टी टू का जो राइट right आंसर है वो जो है ये है फिफ्टी टू का जो है यहाँ पर सॉरी फिफ्टी टू का जो है ये ये जो है गलत है फिफ्टी टू का ए जो है राइट right आंसर रहेगा फिफ्टी थ्री और फोर के लिए जो डायरेक्शन दी गई है प्रश्न के लिए फिफ्टी थ्री और फोर के लिए राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन फिफ्टी थ्री में पूछा गया था फाइंड द सब्सटीट्यूट ए वर्ड फॉर ए मैन हु वेस्ट वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी ए मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी वो होता है एक्स्ट्रावेगेंट तो इसका जो सही आंसर है फिफ्टी थ्री का आंसर जो है डी रहेगा फिफ्टी फोर नंबर क्वेश्चन पूछा था वट वर्ड्स वट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स वुड यू यूज टू रिप्रजेंट ए डॉक्टर हुईज इन डिजीज ऑफ द नोज तो इसका राइट right आंसर है ए राइट आंसर फिफ्टी फोर का ए रहेगा फिफ्टी फाइव नंबर क्वेश्चन पूछा था पॉलिटिकली

सिलेक्ट द करेक्ट रिप्रजेंटेशन फॉर द वर्ड और फ्रेज ही टुक द डिसीजन ऑफ हिज ओन तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है एट हिज डिज़ायर एट हिज डिज़ायर जो है इसका राइट आंसर है हंड्रेड वन परसेंट श्योर फिफ्टी सेवन नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था फिफ्टी सेवन नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था सेवन नंबर जो प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर वो पूछा गया था आप लोगों से वर्कर आर हेल्बेंट एट द वर्कर आर हेल्बेंट एट गेटिंग वॉट इज ड्यू टू देम तो इसका जो राइट right आंसर है वो है सी ही बेंट अपॉन गेटिंग आएगा इसमें जो है करेक्शन करना था तो राइट right आंसर जो है इसका 57 का सी रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग द मिजर गेज एज द पाइल ऑफ गोल्ड कॉइन इन फ्रंट ऑफ 58 का जो राइट right आंसर रहेगा वो रहेगा ए एविडली ये जो है इसका राइट right आंसर रहेगा 59 जो है क्वेश्चन पूछा गया था सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप उन पेयर को चूज करना है जिनमें सेम रिलेशनशिप है जैसे ग्रेन और सॉल्ट है तो इसका जो राइट right आंसर है फिफ्टी नाइन का राइट right आंसर है डी चीप ग्लास जो है ये राइट right आंसर है नेक्स्ट जो है सिलेक्ट द राइट पेयर विच हैज़ द फॉलोइंग सेम रिलेशनशिप लाइट और ब्लाइंड की तरह हमें जो है इसका जो राइट right आंसर है वो है स्पीच एंड डम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन एंड टू फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग अवर सर टीचिज मैथमेटिक्स डैश डैश सिक्सटी वन का जो राइट right आंसर है वो है बी आवर सर टीच मैथेमेटिक्स बिसाइड इंग्लिश दिस इज़ द राइट आंसर सिक्सटी वन का बी जो है राइट right आंसर रहेगा सिक्सटी टू प्रश्न जो पूछा गया था प्लीज़ कम ऑन डैश डैश द बाथरूम प्लीज कम आउट ऑफ द बाथरूम ये जो इसका राइट right आंसर रहेगा सिक्सटी टू का राइट आंसर ए रहेगा सिक्सटी थ्री जो प्रश्न पूछा गया था फाइंड आउट ऑफ द एंटोनियम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड तो सिक्सटी थ्री का जो राइट right आंसर है वो है बी अनइम्पॉर्टेंट सिक्सटी थ्री का राइट आंसर बी है अनइम्पॉर्टेंट सिक्सटी फोर नंबर जो प्रश्न पूछा था ही डैश डैश फॉर यू ऑल द डे ही स्टिल वेटिंग नाउ सिक्सटी फोर का राइट right आंसर है ए ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू ऑल द डे ही इज स्टिल वेटिंग नाउ द राइट आंसर इज ए 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था द ग्रेप्स आर डैश डैश नाउ एन एफ टू पिकट तो इसका जो 65 का राइट right आंसर है द ग्रेप्स आर नाउ राइफ एन एफ टू बी पिकट सिक्सटी से 70 तक आपको जो है पैराग्राफ पूछा गया था जिसके बेस पर आपने जो है आंसर बतानी थी तो इसमें जो है सिक्सटी सिक्स का जो आंसर रहेगा सिक्सटी सिक्स का जो यहाँ पर आंसर रहेगा uh, पर आंसर रहने वाला है वट कैन ऑटोमेटिकली हेल्प टू रिड्यूस एडमिशन सिक्सटी सिक्स का राइट आंसर जो है सी यहाँ पर रहेगा सिलेक्टिव एडमिशन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था मेनी ऑफ द न्यू कॉलेजेस आर सिक्सटी सेवन का आंसर रहेगा सी फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डिग्री होल्डर नेक्स्ट uh, जो प्रश्न पूछा गया था इसमें हाउ कैन टी हाउ कैन टीचर आर सिक्सटी एट का जो आंसर रहेगा ये रहेगा ए बाई अरेंजिंग कोर्सिस हाउ कैन टीचिस टीचर्स आर नेक्स्ट सिक्सटी नाइन पूछा गया था द ऑथर इज़ इन फेवर ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग कॉलेज एडमिशन सिक्सटी नाइन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए ओनली वन डिग्रीज आर लिंक्ड फ्रॉम जॉब्स लास्ट प्रश्न जो इंग्लिश सेक्शन में पूछा गया था वो पूछा गया था द फ्रेज बेक्स्ट प्रॉब्लम मीन्स तो इसका जो आंसर है एन इरीटेटिंग प्रॉब्लम तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर है थैंक यू